मैं भोजपुरी लोकगीत विराहा गायक विशाल मुन्ना और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9838911161945358810। और अपने हमारे गुरुजी आप श्री गया कवि जी की ओर से यह विरहा बड़ी ही दर्दनाक लिखी गई, बड़ी कष्ट की बात है, बहुत दुख की बात है। भूकंप में मारे गए तमाम उन यूपी एमपी तथा नेपाल के तमाम मृतकों को मैं भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, तथा उन जवान सिपाही को जो यहां से भारत से भेजे गए, बहादुरी का परिचय देने वाले हिंदुस्तान की उस टीम को मैं पूरी पार्टी की ओर से उनको सलाम करता हूं। और बिरहा जगत को एक नई भूमिका देने जा रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं गाया। ये हमारे बिजयलाल गुरुजी का आशीर्वाद रहा। बिरहा में भूमिका मास्टर बता दे कोई कौन है मौत देखा पराधीन दुनिया सदा काल के अरे नहीं कोई है इसी जमा लगी कांपने जब भूमंडल की छाती पच्चीस अप्रैल का वो दिन था, दोपहर 11:44। हम बैठे थे अपने आवास पे, अपने रूम पे, और ये हमारे राम कुमार भाई हमारे बड़े अजीज मित्र हैं, ये आए थे प्रोग्राम लिखवाने के लिए। हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तब तक अचानक से बाहर ऐसा शोरगुल हुआ। हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं सारे लोग घबराए हुए हैं, लोग कहने लगे भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, क्या ये प्रकृति का खेल है, हम और आप क्या हैं, हंसना और रोना तो भगवान के हाथ में है। कहे का मतलब मालिक जोने डाल पर चाहलन वही पर फूल खिलला, जे पर चाहलन ऊपर नहीं, सब मालिक का मर्जी है, उनके मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलत। ये बिरहा के करवाओ में पूरा हमार सहयोग हमार भाई और वेब कंपनी के यहाँ देख रेख करते हैं वाराणसी के आप अजय यादव जी हमारे भाई हैं, उनके द्वारा ये देख रेख में ये कैसेट आपके बीच वेब कंपनी से जात बा, हमके पूरा विश्वास बा कि आपके पसंद आई। गजल के भाव मास्टर कोनो लड़का कोनो लड़की से कहत रहे या कोनो भक्त अपने भगवान से कहत रहे के कैसे कहत रहे, आप भाई अपन तर्क लगा ली। अरे दिल चीज क्या गया आप मेरी,
अरे दिल चीज क्या गया आप मेरी जान लीजिए। अरे बस एक बार अरे बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। इतना तर्ज हो लेकिन हमार गुरुजी बड़ा बढ़िया कवि जी भाव लिखत हुन, अपने लेखनी से अपने कलम से अपन दर्द बयां करत हुन कैसे। अरे दुख चीज क्या गया अरे दुखियों से पूछिए। अरे करती कलम बयां पर अरे आँखियों से पूछिए। कांप जाती है धरती, हिल जाती है धरती, घबरा जाते हैं लोग, अफरा तफरी मच जाती है। नजम की भावा खेल भगवान का भगवान नहीं समझ पाए, खेल भगवान का भगवान नहीं समझ पाए, खिलाया गुल कहीं पर कहीं चमन जल जाए। मिली है जिंदगी तो मौत उसके साथ चले, मिली है जिंदगी तो मौत उसके साथ चले, सदा हर जीव का यारों पकड़ के हाथ चले। लाख अरमान को जहां में छोड़ जाता है, ओढ़ कर कफन को दुनिया से चला जाता है। अनेकों रूप में महबूबा मौत चलती है, अनेकों रूप में महबूबा मौत चलती है, कि जिसके साए में जीवन की किरण ढलती है। हिलती मेदनी भूकंप जिसका नाम पड़ा, हिलती मेदनी भूकंप जिसका नाम पड़ा, सदा से जिसके विनाश का अंजाम खड़ा। अप्रैल 11:44 पर ठीक दोपहर में एकाएक लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। लोग घबरा करके घर से बाहर निकल करके मौत का तांडव देखने लगते हैं, घबरा जाते हैं, दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, जिसको जो समझ में आ रहा है वो करने लगता है। यहाँ कवि जी दुलाइन भूकंप पे कुछ अपन बात लिखत हूं, कैसे तर्जबा।
इकोनो दुल्हन के दुल्हा चल गल बंबई शहर कमाए। एक साल बीतल होली के दिन बीच में आए लेब नहीं कल दोबारा फिर होली आए ले दो पर ही मना करत हो नहीं नहीं करत करत नहीं आयल दुल्हनिया फोन लगा के लगल जाट कहत हो का कहत हो अरे अंग अंग टूटे मोरा अरे अंग अंग टूटे मोरा अरे दर्द बाबा धनवा में काहे ना आइला सैया काहे ना आइला सैया लौट के फगुनवा आखिर भूकंप क्या है ऐसा क्या है जिससे भूकंप आ जाता है भूकंप किसे कहते हैं हमारे कवि जी ने भाव दिया है क्या अरे कवनी ऐसन चीज हलचल कवनी ऐसन चीज हलचल करेला घरनवा में आवे ना समझ में भैया आवे ना समझ में भैया संता होला मनवा में आवे ना समझ में भैया संता होला मनवा में अरे कुछ नहीं खेद खेला अरे कुछ नहीं खेद खेला धरतिया के सानी हो अरे पिए पानी फिर पिया लाई पानी हो जाने नहीं के कावन शक्ति जाने नहीं के कावन शक्ति बढ़ जाला बदनवा में आवे ना समझ में भैया आवे ना समझ में भैया संता होला मनवा में आवे ना समझ में भैया धरती क्यों कांपती है आखिरकार कौन सी ऐसी क्रिया का लक्षण है ये फिर विरहा में कवि जी भाव लिखते हैं कैसे विरहा में तर्जबा ओहो बड़ी पुरानी गीत लग गई ये हमार गुरु जी के कैसे टायल हल बहुत पहले जौन सुपर हिट रहे वही में के गाना बा कैसे बा गोरिया दिन भर कई के कटिया गोरिया दिन भर कई के कटिया लेके सजिया कसिलवटिया पीसैना मसाला ना गोरिया दिन भर कई के कटिया लेके अरे सैया बेदर्दी कटिया करावे अरे हमसे ढोवावे बोझा अरे हमसे कह के फुसलावे कि रहैलु गोरिया सोझा सैया मान नहीं कहनावा सैया मान नहीं कहनावा होला साल साल ललनावा कि चारा उतरल जालाना तर्ज
बा, लेकिन बिरहा में कितना बढ़िया भाव हमार कवि जी लिखले हूँ कैसे। अरे हिलली जब धरती के छतिया, हिलल जब धरती के छतिया, दिन में लंका लागल रतिया, हाथिया राजा लट्टे राईना। अरे वेद कहेला शेष नाग जी अपन फन लहराए, अरे टिकल धरती जकरे ऊपर काहे ना थर्राए। लोग बताते हैं यह धरती शेष नाग के फन पर टिकी हुई है, जब शेष नाग जी सांस लेते हैं तब यह धरती हिल जाती है, कांप जाती है, यानी भूकंप आ जाता है। अरे वेद कहेला शेष नाग जी अपन फन लहराए, टिकल धरती जकरे ऊपर काहे ना थर्राए। उलटा पापी ज्ञान कबतिया, उलटा पापी ज्ञान कबतिया, हल चल खुद ही कर धरतिया, कीजिया रागयन तेराई ना। वेद बतावेला कि शेष नाग जी कि ये फन पर धरती टिकल हो, जितना हमरे घरे आपके घरे जितना पुरनिया दादा हुई हैं उनसे अगर पूछबा कि बाबा भूकंप कैसे आवेला, तू बताइए कि ये बेटा शेष नाग जब अपन सांस लेवेलन तभी धरती हिल जाले, यानी भूकंप आ जाला। लेकिन विज्ञान सीधा उल्टा समझती है। विज्ञान का कहना यह है कि धरती अपनी हरकत खुद करती है, सारी नीचे एक प्लेट पर, प्लेट प्लेट कई परतों पर यह धरती है, प्लेट आ करके अपने आप जब सेट होता है। बताया गया कि नीचे का प्लेट करीब एक किलोमीटर तक, मतलब यहाँ का प्लेट निकल के एक किलोमीटर उधर गया, उधर का इधर आया, इस ऐसे करके तब धरती कांप जाती हिल जाती है, विज्ञान ये कहता है। लेकिन बिरहा में तर्ज लगल है मास्टर, कोनो दुल्हा अपना दुल्हन का हाथ पकड़ के सुहाग कक्ष में घिंचत हो, अभी नया नया मिलन हो, दुल्हनिया कहते ए जी तनी रहुआ आराम से धरी ना, कहतिया का कहतिया है मास्टर, अरे चुगिया चट चट फोरला, चुड़िया चट चट फोरला, हमर नरम कलैया मर ओर के मन बे राजा जी, ये देखा है हमारे बड़े ही अजीज मित्र हैं हमारे राम कुमार भाई, हमारे बड़े सहयोगी हैं, आप कहीं भी प्रोग्राम होता है तो ले करके जाते हैं, आते हैं, साथ में रहते हैं हमारे। मैं इनको नमस्कार प्रणाम करता हूँ, देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन दुल्हनिया अपने दुल्हवा से कहता कि तनी सैया आरामे से कैसे कहो तो, अरे चुगिया चट चट फोरला, हमार नरम कलैया मर ओर के मन बो ए राजा जी, आए हाय मन बो ए राजा जी, अब का खटिया के पाती तोड़ के मन बो ए राजा जी, आए अब का खटिया के पाती तोड़ के मन बो ए राजा जी। समय है 11:44 पर के, 11:44 का टाइम हो रहा है, एकाएक एक आकस्मिक घटना घटता है, क्या होता है
अरे दुपहरिया फूकत गर्मी मचल हाकार हो आयल ये बाबू जी ठीक दुपहरिया मचल गर्मी आयल हाकार सभी लोग पड़ा जाते हैं क्या करते हैं अरे ठीक दुपहरिया फूकत गर्मी मचलाकार हो आयल ये बाबूजी कबले आयल ये बाबूजी अभूई डलवा मुहावा फार हो आयल ये बाबूजी भूई डलवा मुहावा फार हो आयल ये बाबूजी कहाँ कहाँ सारे हिंदुस्तान के लोग घबरा जाते हैं एक ही समय पर यूपी एमपी हिलल गुजरात के धरतिया यूपी एमपी हिलल गुजरात के धरतिया कन्हैया पलदल नेपाल के रतिया अरे हाय हाय रे मचल तबाही आयल दुख बड़िया रहो आयल ये बाबू जी हाय हाय रे मचल तबाही आयल दुख बड़िया रहो आयल ये बाबू जी अरे हाय हाय रे मचल तबाही आयल दुख बड़िया रहो आयल ये बाबूजी ए हो आयल ये बाबूजी तब भूई डलवा मुहावा फार हो आयल ये बाबूजी तब भूई डलवा मुहावा फार हो आयल ये बाबूजी पूरा देश सन्न रह गया यूपी बिहार एमपी करीब करीब आधे हिंदुस्तान में ये भूकंप का कहर रहा बड़े ही दुख की बात है यहां तो कम लेकिन यह नेपाल में बहुत ज्यादा कहर ढा गया कभी जी भाव लिखते हैं कैसे अरे लोगबा अलुगाई भागे अरे लोगबा अलुगाई भागे अरे ले के भूकंप आ जाता है अपने इंडिया अपने भारत में तो कम लेकिन नेपाल में ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया पड़ोसी देश है हमारा सारे हिंदुस्तानियों का कलेजा पिघल जाएगा बाबूजी ऐसा टेलीविजन न्यूज हर जगह खबर छाई हुई है सभी लोग कुछ लोग लाइव देख रहे थे टेलीकास्ट कभी जी भाव लिखते हैं अरे लोगबा लुगाई भाग अरे ले के जिंदगी आए राम लोगबा लुगाई भाग अरे
अखिया के आगे नाच, अखिया के आगे नाच, अरे सब के मऊतिया राम, अखिया के आगे नाच। अरे बिल्डिंग भराएगी रे, अरे बिल्डिंग मकान गिरे लागे भराई, बिल्डिंग मकान गिरे, अरे के उभा भाई। आज टीवी और दृश्य पे देख रहे हैं, कलेजा कांप उठता है, हर आदमी देख रहा है, आंख से आंसू छलक रहा है। आज तक भी उसका न्यूज खबर आ रहा है, तमाम लोगों के मरने की बात कही गई, लेकिन बिरहा में भाव कैसे। अरे देखवला देखवला अकैसन खेलाए हरी, अरे देखवला अकैसन खेला हो, देखवला कैसन खेलाए हरी, आंसू के सागर में लगा मौत का मेला। सारी बिल्डिंगें ध्वस्त हो जाती हैं, जो लोग भाग सकते थे निकल के भागना चाहते वो तो भाग गए, लेकिन जो ऊपर थे और जो एकदम नीचे थे, जो नहीं भाग पाए, जो नहीं समझ सके, नीचे दब गए बाबूजी। मलबे में दब गया था परिवार किसी का, मलबे में दब गया था परिवार किसी का, धरती पे धराशायी था घर द्वार किसी का, भाई बहन से बिछड़ा राखी बिलख रही, मौत निर्दयी बन एक एक को चख रही, किसी का पाँव टूटा सर फूटा किसी का, सिंदूर ऐसे मंजर से रूठा किसी का, चौतरफा मरने वालों की लाश बिछी थी, चौतरफा मरने वालों की लाश बिछी थी, किसी की सांस बाकी किसी की रुकी थी। जो लोग आए, कुछ लोग तो तुरंत ही दम अपना तोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें रह जाते हैं विदेशिया में भाव। अरे दुख के पहाड़ा टूटल अरोवेला दीवान चंद, अगाजीपुर अजिलावा हो गौआ सारैया। एक परिवार की घटना यहां से हम लेते हैं,
यहीं अपने गाजीपुर सरैया गांव से एक व्यक्ति परेशान था औलाद के चक्कर में। 8-10 साल की बेटी है, औलाद के लिए घूम रहा, दर दर भटक रहा था। कुछ लोग बताए कि जा करके नेपाल में पशुपतिनाथ जी हैं, वहां दर्शन कीजिए, वहां मन्नत मांगिए, आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। वहां जा करके मन्नत मांगता है और फिर घर पे आता है। दोबारा जब लड़का होता है, करीब 12-14 महीने का लड़का हो जाता है, फिर गया है दर्शन करने के लिए। भाव बा कैसे, अरे दुख के पहाड़ा टूटल, अरे रोवेला दीवान चंद, गाजीपुर अजिलावा हो गौआ सरैया, अब भोला के मनौती से गोद गुल जर भइल, बड़ा भइल बेटा जब खेली के बकैया, अब मन्नत पूरा वै नेपाल, मन्नत पूरा वै नया पाल में आयल रहले, अब बेटा यौरी बेटी साथे कुल के दियनवा। आखिर जब लड़का हो जाता है तो जाता है बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन करने के लिए। वह दीवान चंद नहीं मालूम था कि जो बाबा हमें लाल देंगे वही हमसे छीन लेंगे। दर्शन करके आया, दोपहर का समय था, एक लॉज में रूम लिया, जा करके उस रूम में बैठा, थका है। दुल्हन बोलती है कि आप बैठिए नहीं, बेटा रो रहा है, कुछ सुबह से भी नहीं खाया है, हम लोग भी नहीं खाए हैं, कुछ जा करके बाहर से कुछ लेके आइए, कुछ हम लोग नाश्ता करते हैं। जा करके अपने बेटे के लिए खिलौना लेता है वह दीवान चंद और अपने परिवार के लिए नाश्ता पानी लेता है। 8-10 साल की बच्ची है। ले करके वहां जैसे ही लौटता है तब से देखता है अफरा तफरी मच जाती है। दौड़ करके भागते हुए आता है उस लॉज के पास, देखता है बिल्डिंगें ध्वस्त हो चुकी हैं। दौड़ दौड़ करके पागल की तरह घूम रहा है, खोज रहा है अपने बीवी बच्चों के, काश मेरा बच्चा बाहर निकल करके कहीं तो गया होगा। दौड़ दौड़ के खोज रहा है मेरा बच्चा, मेरी बेटी और मेरी पत्नी कहाँ गई। रो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, बाबूजी सब लोग अपनी अपनी देख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पूरा अफरा तफरी मच गया। वह दीवान चंद रो रो करके लोगों से बयान दे रहा है कि हमारी बीबी और हमारा बेटा, हमारी 10 साल की बच्ची इसी में थी, आप लोग देखे हैं क्या, उसको हाथ में लिया हुआ है, खिलौना लिया हुआ है, नाश्ता लिया हुआ है और खोज रहा है अपने बीवी बच्चों को, देख रहा है क्या कहता है सबसे। बिरहा में तर्ज हो बड़ी पुरान बा, अरे तोहके चढ़ई बैमई अरे तोहके चढ़ई बमैया अरे नरियल चुनरिया हो कि गंगा जी अरे दिनवा ओढ़ई बैमा जलिया हो कि गंगा। रो रहा है वह दीवान चंद, पागल की तरह घूम रहा है, अपने बीवी बच्चों को खोज रहा है, कहता है मेरे एक बेटा है 10 साल की, 8-10 साल की बच्ची है, कोई तो मिलवा दे मेरे बच्चों से। क्या कहता है, रोवेला धराती रोवे अरे दुख में गगनवा हो नयनवा बरस, रोवेला
पती रोवे दुख में गगनवा नयनवा बरस उमड़ल बा दुख के सवानवा नयनवा बरस उमड़ल बा दुख के सवानवा नयनवा बरस अरे डूब गई लघारवा के डूब गई लघारवा के सूरज और चानवा हो नयनवा बर आन्हर भइल जिनगिया जनमवा हो नयनवा बरस आन्हर भइल जिनगिया अपने बेटे को और बच्ची को पागल की तरह ढूंढ रहा है। लड़का मेहरारू के दर्शन करावे खातिर लेके आई अपने बेटा का मांगल मन्नत भगवान पशुपति नाथ से पूरा अपन करे आई ना जानत रहे कि ऐसा नाफत ऐसा विपत हमके दीहन भगवान परेशान है। सारे हिंदुस्तानियों का कलेजा हिल जाता है। बाबूजी पड़ोसी देश है। वर्तमान के भी हमारे जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं अपने हिंदुस्तान के सैनिक को भेजते हैं जितना मदद हो सका उतना मदद करवाए। और हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी यूपी के आपके तरफ से 39 बसें भेजी गई, फिर बाद में 26 बसें भेजी गई, 13 ट्रक भेजी गई जिसमें खाने पीने की सारी सामान थी साथ में। इतना सहयोग किए। और हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष जी जो हैं हमारे जिला अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड के श्री अखिलेश यादव जी साथ में गए। वहाँ से हमारी फोन पे वार्तालाप हमेशा होता था। बहुत दर्द की बात है, मैं बयान नहीं कर सकता साथियों इस कैसेट से, लेकिन मैं इतना ही बता सकता हूँ मैं आपको। जिस समय ये न्यूज चल रहा था टीवी चैनल पे लोगों का कलेजा पिघल जाता था। बताया गया उस मलबे में दबी हुई में 80-83 घंटे के बाद एक लड़के को भी निकाला गया जो 18-20 साल का लड़का था। अगल बगल सारी लाशें पड़ी हुई थी लेकिन वह अकेला लड़का अपना बताया गया कि पेशाब पी करके जिंदा रहा। सारा होठ फट चुका था, पैर बिल्कुल सफेद हो चुका था। क्या कुदरत का कहर है, क्या भगवान क्या आपने लीला कर दिया। वह दीवान चंद रो रहा है भाव भा कैसे मास्टर। पागल की तरह घूम रहा है, दौड़ दौड़ के पूछ रहा है अपने बीबी बच्चों को, कैसे पूछ रहा है। लोग गवाह से पूछे बाबू बानी के पगलावा हो बानी के लोग गवाह से पूछे बाबू बानी के पगलावा हो कहाँ गई लती कहाँ गई ले मोरा परिवार नकोरा पिया हो रमते पागल की तरह घूम रहा है, हाथ में खिलौना लिया हुआ है, सोच रहा है कि काश कहीं निकल करके हमारी बीवी अपने बच्चों को लेकर के बाहर निकल गई हो। खोज रहा है कैसे ले देखा ना
चले बाबा देखाना मदाई ली बहारावा हो गई ली बहारावा हो अब भूखल रहल बचावा हमारा हो किया हो रामा रे अब उखल राल बचावा हमारा न हो राम किया हो रामा रे अब उखल राल बचावा हमारा न हो राम कहाँ बाला नावा कहाँ बाल नवा मर का बजना नवा हो खोजाना छोकरिया हमार नजरा किया किया हो रामा रे कहाँ बट मोरा परिवार न हो राम तीनहु मुरतिया में का जो मिलती हो एक तीनहु मुरतिया में का जो मिलती हो अधरति सबुरवा के हो दार दहेरा किया हो रामने दे दहो फोले दे दा काला शिवदानिया हो देता हो भोले देता काला शिवदानिया हो काला शिवदानिया हो तो हसे बया राजी हमारा न हो राम हे भगवान हे मालिक हमारा लाल हमारी बेटी और हमारी पत्नी हमसे बिला दीजिए हम नहीं रह पाएंगे क्या हुआ ये क्या हो गया बहुत घोर अनर्थ हो गया रो रहा है क्या कह रहा बिरहा में भाव अजरल खुशी सारी जरल असपना के बाद हो पूछी है महतारी कौन है मोर माई कौन दे जवाब हो मोर माई कौन दे जवाब हो मोर माई कौन रो रहा है कि आखिर मेरी माँ अगर पूछेगी कि बेटा हमारा वह छोटा बालक कहाँ है हमारी बेटी कहाँ है और हमारी बहू कहाँ है मैं क्या कहूँगा नाथ
ये तो अनर्थ कर दिए नाथ, बहुत घोर अनर्थ हो गया, रो रहा है। माई के आगे कैसे, माई के आगे कैसे मुहावा देखइबे हो, पोती पोता बहु मग है, पोता पोती बहु मग है, कहाँ से मिलइबे हो, पोती पोता बहु मग है, कहाँ से मिलइबे हो। महतारी कवन जैब जवाब हो, कुछ है महतारी कवन पूरा देश नेपाल की हालत से दुखी था। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की दिल की धड़कन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफ़ी मदद किए, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी काफ़ी मदद किए, जितना हो सका खाने पीने से लेकर के रुपए पैसे तक जो भी हुआ प्रधानमंत्री जी कह दिए कि सांसद की एक एक महीने का तनख्वाह वहां भेजा जाएगा, तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह दिए कि विधायकों का भी सभी एक एक महीने का तनख्वाह वहां भेजा जाएगा। हमारे सैदपुर विधानसभा से जो सुभाष पासी जी हमारे गार्जियन हमारे भैया हैं, वो भी 25 लाख रुपये का अदर से मदद किए, हमारे गुरु जी भी 5 लाख रुपए का मदद किए इस रूप में। बड़े ही दुख की बात है, जितना जो भी जिससे हो सकता है उतना मदद कर सकता है। बिरहा में भाव बा कैसे, अरे चले मदद में सैनिक हिंदुस्तानी जीवन पानी बा, अरे रक्षा हित में जे कर जनम जवानी जीवन पानी बा, अरे रो रो कर कहता दीवाना है साहेब करा मददिया हो, अरे बेटा बेटी खोजा हमरो, अरे खोजा ना अवरतिया हो। ए साहेब, जो हिंदुस्तान से फौजी गए हैं, जो हिंदुस्तान से सैनिक गए हैं, उनके सामने जा करके गिड़गिड़ा करके भीख मांग रहा है अपने औलाद का, और रो के यही कह रहा है कि साहब मैं भी गाजीपुर जिले से रहने वाला हूँ, मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ, मेरा बेटा और मेरी 8-10 साल की बच्ची मेरी पत्नी इसी के नीचे दब गई है, साहब मदद कीजिए। साहब रो रहा है, बिलख रहा है, लेकिन वह हिंदुस्तानी जो है कहता है कि घबराओ नहीं, धीरज से काम लो। भाव बा कैसे कहता है क्या, अरे रो रो कर कहता दीवाना है साहेब करा मददिया हो, अब बेटा बेटी खोजा हमरो, अरे खोजा ना यवरतिया हो, अरे नहीं तो जिंदगी अरे है ना जवानी जीवन पानी कह, हरकत में आए जवान सैलानी जीवन पानी कह। जवान जो है मदद के रूप में लपट जाते हैं, हिंदुस्तानी सिपाहियों ने जब दीवान का रोने का आवाज सुनता है कलेजा कांप उठता है और कहता है, ले जा करके बैठाते हैं लोग, सैनिक कहते हैं ले जा करके इसको अंदर बैठाओ, हम तुम्हें बुला लेंगे, हम देख रहे हैं, घबराओ नहीं, तुम्हारे बीवी बच्चे मिलेंगे। कहा कुछ नहीं, हम तो समझती हम कम से कम मुअल के अपने लड़कवा के देख ली, तो एक बार मुअल के बिटियावा के देख ली, तो अपने औरतिया के देख ली, हमके यहाँ से कैसा हूँ भेज दा, हम ना आए फिर भी नेपाल दर्शन कर, कैसा हूँ यहाँ से हमके भेज दा साहेब। लपट जाते हैं कार्य में जो है हिंदुस्तानी जवान। भाव बा मास्टर कैसे, अरे
अरे होनी हो नहारी होके होनी हो नहारी होके अरे दुनिया में भैया अभी के नया गे कोई कच्चा लया धिक्का सबई का प्यारा अपने कुल का दिया नवा भैया कैसे दिया भाईल ये कर बगिया ऊंचा हजारा लोगवन के कैला पर दवा बाबू बट अनुमान लाद पावे चार हजार आखिर जो है हिंदुस्तानी जवान लपट जाते हैं अपने कार्य में करीब 6,000 लाशें निकाली गई हिंदुस्तानी जवान के मदद द्वारा लेकिन अभी बताया जा रहा है अभी कि करीब 10,000 लाशें इसमें दबी हैं अंदर अभी भी मदद का कार्य चल रहा है कुछ जवाने सेफ जिंदा निकाले गए काफी लोग मर चुके थे अब पूरा तबाह ने पाल का धर दिया भैया तना बताई बात दुख बढ़िया हथवा मदद के बा आया ही दुस्तनवा भैया सूरत और मुंबई के लोग तैया अया हवर सैनिक जुटल बाटे देखा रात दिनवा भैया लसियन के लागल बजा पे अंबार अस्सी घंटा बाद मिलल एगो गदलवा भैया माई के गोदिया में जिंदा सुकुमार जवान लपट गए निकालने के लिए निकाले गए जितना ही अंदर गए काफी लाशें निकाले उस लॉज से लेकिन जितना ही अंदर पहुंचे एक तह पे पहुंचे जब कुछ दूर रह गया एक रोने का आवाज आया छोटे बच्चे का रोने का आवाज आया जवान समझ गए कोई बच्चा है जो जिंदा है बहुत ही आसानी से 80 घंटे के बाद वह वहां लाश के पास पहुंचते हैं दीवान चंद के एक औरत जो थी और एक 8-10 साल की बच्ची थी बरी हुई थी लेकिन वह 1.5 साल का बच्चा अपनी मां की गोद में सो करके रो रहा है बाहर मालिक बाहर बाबा पशुपतिनाथ क्या कर दिए आप बच्चे को तो बचा लिए लेकिन मां नहीं रह पाई कौन देखेगा बच्चे को बिरहा में कवि जी भाव लिखत हूं कैसे अरे रोवे बाबू अच्छा दिसे लगा के ही रवा अरे सुतल माई भगनिया आखिर धरती पे धर्म अभी तो कुछ ना कुछ तो जिंदा है बच्चा बच गया बड़ी सोचने की बात है चार जो है
काफ़ी ऐसे जिंदा लाशें निकाले गए। मैं कितना आपसे दुख बयां करूं, ऐसे बहुत सारे लाशें थे जो जिंदा निकाली गई। अरे सब हिंदुस्तानी अभिमान में चढ़ाई, अरे लाश माई बिटिया के गाजीपुर आई। अरे बरसा दुख का बादर सब के टूटल धीरावा, अरे सुतल माई भगनियन पूजा पिरावा। आखिर विमान से लाश को और दीवान चंद को वहां से हिंदुस्तान वापस लाया गया। बिरहा में हमारे अंतिम लाइन बा मास्टर। अरे गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गमगीन, अरे विजयी प्यारे लाल का की मौत बजाए बीन, अरे देखौला कैसन खेलाए हरी